मुंगेर के तारापुर में दो अलग अलग जगहों पर लगभग 10-10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाला व सड़क का प्रखंड प्रमुख ने फीता काटकर किया उद्घाटन। दरअसल मुंगेर के तारापुर प्रखंड के गनेली पंचायत में 15वीं वित्त आयोग योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निर्माण हो रहे दो योजनाओं का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख अश्वनी राज उर्फ पिंकू मेहता उप प्रमुख संगीता देवी ने योजनाओं के शिलापट में लगे पर्दे के फीता को काट कर किया। योजना का उद्घाटन कर रहे प्रखंड प्रमुख अश्वनी राज ने कहा कि आज दो अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किया गया। एक योजना गनेली पंचायत की वार्ड संख्या 3 में अजय सिंह के घर से रामदेव सिंह के घर तक लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ढक्कन सहित नाला का निर्माण 15वीं वित्त आयोग योजना से किया गया, तो दूसरी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत इसी वार्ड में छोटू कुमार घर से नहर तक माधोडी गनेली सीमा पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत से नाला एवं सड़क का हो रहे निर्माण कार्य शामिल है। दोनों योजनाओं को पूर्ण होने पर यहां निवास करने वाले वार्ड वासियों के अलावा अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। सड़क पर बह रहे घर का दूषित पानी नाले में बहेगा, इससे समाज में फैलने वाले गंदगी से लोगों को राहत मिलेगी, समाज में स्वच्छता कायम रहेगी, लोग प्रदूषित जल जमाव से होने वाले बीमारियों से भी बचेंगे, मच्छरों के प्रकोप से भी लोगों को निजात मिलेगी। मौके पर गनेली पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जयराम सिंह, वार्ड सदस्य संगीता देवी, चंद्रशेखर सिंह, हरिचरण सिंह, छत्तीस सिंह, नवल सिंह, विष्णु देव सिंह, मिंटू कुमार सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। हमने देखे सर, कागज नहीं ले छा, एक बार देखिए सर, बैठो थोड़ा देर में कही दे सामने प्रमुख साहब डका गए। रुकिएगा रुकिए, ठीक है रखिए ना, पकड़ लीजिए ना खाली, उधर ठीक उठवाइए जरा, देख लें इसका तो नाम पूरा खबर के लिए। एक मिनट सर, जरा सब पीछे मोबाइल के लिए गनेली पंचायत वार्ड नंबर 3 में दो योजना का उद्घाटन किया गया, एक 15वीं वित्त आयोग से है, एक मनरेगा से। यहाँ जल निकासी के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ थी, लगातार यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य हैं डॉक्टर जयराम जी, उन्होंने लगातार मीटिंग में भी इस बात को कई बार उठाया था कि हमारे वार्ड नंबर 3 में गनेली पंचायत में बहुत सारे पानी के लिए बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया और इसका हम लोगों ने इसका विधिवत उठाया। कितने की लागत से बनना था दोनों? दोनों 10-10 लाख की योजना है।